हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप दो सोलर पैनल का कनेक्शन आप एक बैटरी के साथ कैसे कर सकते हो। सपोज दोस्तों, आपके पास 100 वाट की दो सोलर पैनल है और आपके पास दोस्तों एक ही बैटरी है और आप दोस्तों चाहते हो कि आप अपने सिंगल बैटरी को चार्ज करने के लिए दोनों सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे दोनों सोलर से आप एक ही बैटरी को चार्ज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, दो सोलर से या फिर कहें तो तीन चार सोलर से हमें एक ही बैटरी को चार्ज करने के लिए दोस्तों दो तरीका होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको सीरीज कनेक्शन करना है या फिर पैरेलल कनेक्शन करना है। हम आपको ले चलेंगे अपने सोलर पैनल के पास। हमारे पास दो सोलर पैनल है और मैं आपको वहीं पर जाके एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं अपने सोलर पैनल के पास और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास दो सोलर पैनल है। एक आपको बड़ा पैनल दिखाई दे रहा होगा और एक आपको छोटा सा पैनल दिखाई दे रहा होगा। और बड़ा वाला पैनल जो है दोस्तों वो 105 वाट का है और छोटा वाला पैनल जो है दोस्तों मात्र 25 वाट का है। तो दोस्तों, अगर आपके पास 100 वाट का है कोई सोलर या फिर कोई किसी कितना भी वाट का है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको दो सोलर पैनल का कनेक्शन आपको एक बैटरी के साथ कैसे करना है। यानी कि दोस्तों, दो सोलर से आप एक ही बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हो। चाहे आपके पास दोनों बड़ा सोलर है या फिर छोटा सोलर है दोस्तों, मैटर नहीं करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में कनेक्शन करने का सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं थ्योरेटिकली, आपको समझाते हैं कि कैसे आपको सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन करना है। सो गाइस, यहां पर हम आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको थ्योरेटिकली समझा देते हैं। तो सपोज दोस्तों, ये हमने दो सोलर पैनल बनाया हुआ है और ये एक मैंने बैटरी बना दिया, ठीक है। और ये रहा हमारा दो सोलर पैनल और दोनों सोलर जो होती है दोस्तों 12-12 वोल्ट की हैं। यहाँ पर दोस्तों 24 वोल्ट की सोलर पैनल भी आती है, लेकिन हम इसमें 12 वोल्ट के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव और सोलर पैनल का भी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आपको बता दिया। सपोज दोस्तों, देखिए क्या होता है। कुछ अगर आपके दिमाग में ये तरीका चल रहा है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं कि इसका एक प्लस और एक माइनस और दूसरा का जो प्लस है और इसका माइनस है, हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दें। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारा सोलर पैनल 12-12 वोल्ट की हैं, तो 12 वोल्ट ये सोलर और 12 वोल्ट वो सोलर, तो दोनों मिला के हमारा टोटल हो गया 24 वोल्ट और हमारा बैटरी जो है वो मात्र 12 वोल्ट की ही है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से जो कनेक्शन है ये वाला नहीं करना है, क्योंकि हमारा सोलर पैनल दोनों मिलके हमारी बैटरी को 24 वोल्ट आउटपुट सप्लाई दे रही हैं और हमारा जो बैटरी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट का है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा बैटरी जो है वो तुरंत के तुरंत ख़राब भी हो सकता है, तो हमें ये वाला तरीका नहीं यूज़ करना है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा तरीका यूज़ करना है। सपोज दोस्तों, हमने एक सोलर ले लिया 12 वोल्ट का और दूसरा सोलर ये ले लिया हमने 12 वोल्ट का। दोस्तों, हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाले हैं अपने सोलर पैनल के पास लेके जाके। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने बैटरी का भी आइकन बना दिया, फ़ोटो बना दिया। अब दोस्तों, हम अपने बैटरीज में भी प्लस और माइनस आपको दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सोलर का दोनों सोलर का पॉजिटिव हमें एक साथ कनेक्ट करना है। मतलब कि दोस्तों, हमारा जो दोनों सोलर है उसका पॉजिटिव और हमारे दोनों सोलर का नेगेटिव एक साथ में हमें कनेक्ट करना है। या फिर दोस्तों, आप चाहें तो दोस्तों दोनों सोलर का जो पॉजिटिव वाला वायर है वो हमारे बैटरी में पॉजिटिव में कनेक्ट कर सकते हो और दोनों सोलर का जो नेगेटिव वायर है वो हमारे बैटरी के नेगेटिव वाले में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, मैं यही तरीका बता रहा हूँ कनेक्ट करने का। यहाँ पर पॉजिटिव वाला दोनों सोलर का पॉजिटिव जो वायर है वो हमने डायरेक्ट अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और दोनों सोलर का नेगेटिव वाला जो वायर है वो हमने डायरेक्ट अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, हमारा दोनों सोलर पैनल जो हमें हमारी बैटरी को 12 वोल्ट ही मिलकर सप्लाई करेंगे। उस केस में क्या होता था दोस्तों कि हमारे बैटरी को 24 वोल्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट मिल रहा है लेकिन एम्पियर ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है दोस्तों बिल्कुल सही है। अब चलिए, हम लेके आ चुके हैं अपने सोलर पैनल के पास और आपको बताते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है। यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, हमारे सोलर बड़ा वाला सोलर में दो वायर निकले हुए हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, और ये रहा दोस्तों हमारा छोटा वाला सोलर पैनल। तो इसमें भी दोस्तों दो तरीके से वायर हैं, एक रेड और ये ग्रीन, मतलब इसमें भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया हुआ है कि हमारे जो बैटरी के साथ वायर कनेक्ट हुआ है, जो अभी हमने वायर जिसको पकड़ा हुआ है ये बैटरी के साथ आया हुआ है, बैटरी में जाके कनेक्ट हुआ है। और ये देख सकते हो दोस्तों, हमने इसका पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव
और दोनों सोलर का पॉजिटिव एक में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों वायर एक साथ कनेक्ट है और ये तीनों वायर एक साथ कनेक्ट है, मतलब तीनों पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट है और तीनों नेगेटिव एक साथ कनेक्ट है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने बैटरी के पास और आपको वहाँ पर भी दिखा देते हैं कि हमारा बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है, ताकि दोस्तों आपको भी सारा कुछ समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं अपनी बैटरी के पास और आपको दिखाते हैं कि हम अपने बैटरीज को कैसे चार्ज कर पा रहे हैं इन दोनों सोलर के पैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमने अपने बैटरी के पास आ चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने एक कंट्रोलर लिया हुआ है और कंट्रोलर से में ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों एम्पियर मीटर भी हमने लगा रखा हुआ है, क्योंकि हमारा बैटरी ऑलरेडी चार्ज है इसीलिए दोस्तों हमारा एम्पियर मीटर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पर मैं बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ 150 एम्पियर और UPS दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।